कॉटन वायदा की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल एमसीएक्स पर कॉटन वायदा बीते 3 दिनों में 7% से ज्यादा लुढ़क चुका है। घरेलू बाजार में कॉटन की कीमतें लगातार दबाव में हैं। एमसीएक्स पर कॉटन का अक्टूबर वायदा भी 2% से ज्यादा लुढ़का है और ये 32,500 के नीचे चला गया है। बीते 3 दिनों में ही कॉटन का अक्टूबर वायदा 7% से ज्यादा लुढ़का है। इसके साथ कॉटन के नवंबर वायदा में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर कॉटन का नवंबर वायदा 30,000 के नीचे लुढ़क चुका है। दरअसल कॉमोडिटी की कीमतों में आई गिरावट की वजह पर नजर डालें तो मंडियों में सप्लाई बढ़ने से इसकी कीमतों में गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कॉटन के भाव में गिरावट देखने को मिली है। वहीं शिकागो में भी कॉटन का भाव करीब 1% टूट चुका है। एमसीएक्स पर कॉटन के चाल पर नजर डालें तो एक हफ्ते में कॉटन के भाव में 3% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि एक महीने में इसका भाव 5% की बढ़त के साथ कारोबार करता दिखाई दिया है। तो वहीं एक साल में एमसीएक्स पर कॉटन 2% टूट चुका है, लेकिन फिलहाल मंडियों में आवक बढ़ने के चलते कॉटन की कीमतों पर दबाव जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।